75 साल की उम्र में सहारा इंडिया समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय ने अंतिम सांस ली। उनकी गिनती भारत के बड़े कारोबारी के तौर पर होती थी। सुब्रत रॉय सहारा के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब निवेशकों का क्या होगा। दरअसल लोगों ने सहारा कंपनी की कई स्कीमों में अपना पैसा लगाया था, लेकिन कंपनी ने घाटे के चलते लोगों के पैसों का भुगतान नहीं किया। सहारा इंडिया रियल स्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने 2008 से 2011 के बीच OFCD के जरिए 3 करोड़ से अधिक निवेशकों से 17,400 करोड़ रुपए जुटाए थे। सितंबर 2009 में सहारा प्राइम सिटी ने IPO लाने के लिए सेबी के सामने डॉक्यूमेंट्स पेश किए। इनमें गड़बड़ी की आशंका और एक निवेशक की शिकायत के चलते सेबी ने अगस्त 2010 में दोनों कंपनियों की जांच के आदेश दे दिए। इसके बाद करीब 3 करोड़ निवेशकों का पैसा कंपनी में फंस गया था। सुब्रत रॉय को 10,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि ना चुकाने पर 4 मार्च 2014 को जेल जाना पड़ा। अदालत ने तब कहा था कि जब तक सुब्रत 5,000 करोड़ रुपए नकद और 5,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी नहीं देंगे, तब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। उन्हें 2 साल से ज्यादा समय तक जेल में रहना पड़ा और 2016 में वो पैरोल पर बाहर आए। प्रॉपर्टी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फिर से जेल भेज दिया था। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि अगर सुब्रत नवंबर 2020 में 62,600 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं करते तो उनकी पैरोल रद्द कर दी जाएगी। सहारा ग्रुप की लंबे समय से बाजार नियामक सेबी के साथ लड़ाई चलती रही। सेबी ने सहारा ग्रुप को निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया और साल 2010 में सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों और रॉय पर जनता से पैसा जुटाने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया। ये तो थी सहारा ग्रुप की कहानी, पर अगर आपने भी सहारा की किसी भी स्कीम में पैसा लगाया हुआ था और वो अब तक आपको वापस नहीं मिला है, तो जान लीजिए कि कैसे आप घर बैठे उस पैसे को वापस हासिल कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जुलाई में सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के साथ ही जरूरी है कि आपका मोबाइल फोन नंबर आधार से लिंक हो। इसके अलावा आधार नंबर भी आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। इसके बाद पोर्टल पर जाकर आप अपनी रसीद अपलोड करें और रिफंड पाएं। इस पोर्टल से रिफंड पाने के लिए आपको सहारा में निवेश की सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार लिंक मोबाइल नंबर, पासबुक, पैन कार्ड उपलब्ध करने होंगे, जिसके बाद आपकी सारी डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा और वेरिफिकेशन के 45 दिन बाद आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।